हेलो, आप सभी कैसे हैं? कोविड-19 जो महामारी है, इसमें आप सेफ रहें और अपने परिवार को सेफ रखें। इसी के साथ में आज आपको कर्नाटक स्टेट पुलिस भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। यानी जो कर्नाटक स्टेट में पुलिस भर्ती है 2020 के अंतर्गत, ये कर्नाटक स्टेट सरकार ने हाल ही में स्टेट पुलिस भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति निकाली है, ये उन सभी नौजवान दोस्तों के लिए है जो कर्नाटक स्टेट पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो ये उन्हीं के लिए एक ख़ास और सुनहरा अवसर है। इसी के साथ मैं आपको इसके पूरा विवरण बताऊंगा। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसका जो बेल आइकॉन है उसको दबाते हुए ऑल वर्ड को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली हर जॉब न्यूज आपको मिल सके। अभी आपका समय नष्ट ना करते हुए इस कर्नाटक स्टेट पुलिस भर्ती के बारे में इस प्रकार है पूरा विवरण। ये कर्नाटक राज्य पुलिस KSP ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ये कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस भर्ती 2020 के लिए अधिसूचना जारी की है, जो कि ज़्यादा जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट ksp.government.in पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। इसका आवेदन 18 मई 2020 से चालू हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 15 जून 2020। इसके लिए जो टोटल पद हैं वो 2672 पद हैं। पदों से काफ़ी है और इसके लिए अच्छी तरह तैयारी करते हुए इसके लिए आप अप्लाई करें। ये जो टोटल रिक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 2420 पद और 252 बैडमैन के रिक्त पदों को भरा जाना है। यानी टोटल पद हैं ये, इनमें जो ज़्यादा इसका जो रिजर्व पुलिस कांस्टेबल हैं यानी विशेष रिजर्व पुलिस कांस्टेबल 2420 पद हैं और बैट्समैन के लिए 252 पद हैं। सब टोटल हो गए 2672। इसके साथ साथ KSP यानी कर्नाटक स्टेट पुलिस भर्ती के लिए ज़्यादा जानकारी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की डेट है 18 मई 2020 और लास्ट डेट है इसकी 15 जून 2020, यानी एक महीने से कम ही है। तो इसके लिए आप तैयारी जोरों से करें और इसके लिए अप्लाई करें। इसका जो एज लिमिट और पेमेंट, इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पूरा दिया हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसका फीस डिटेल भी उसमें, इसके जो स्टेट का जो नियम है उसके आधार पर दिया हुआ है, आप कुछ एक बार अच्छी तरह पढ़ लें। कर्नाटक स्टेट पुलिस बल के लिए जो कैंडिडेट हैं उनकी एज लिमिट क्या चाहिए, यानी उनको क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या और पेमेंट क्या है उनका, वो इस प्रकार है। KSP KSRP रिक्रूटमेंट के लिए उम्मीदवार के पास CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है और आपकी जो उम्र है कैंडिडेट की 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 18 से कम नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं। अभी आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया भुगतान करना होगा और वहीं आरक्षित वर्ग को 100 रुपया भुगतान करना होगा। यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं 250 रुपया और जो आरक्षित वर्ग के अंदर आते हैं वो 100 रुपया फीस देना है आपको। अभी इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है ksp.government.in पर जाकर के आप ऑनलाइन भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से 15 जून तक चलेगी। अभी पेमेंट, इसका चयनित उम्मीदवारों को 21,400 रुपये से लेकर के 42,000 रुपये प्रति महीने तक वेतन मिलेगा। ये पेमेंट है। एक बार आपको दोबारा इसकी जो महत्वपूर्ण डेट है वो भी इस प्रकार बता देता हूँ दोबारा। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत डेट है 18 मई 2020 और आखिरी डेट है 15 जून 2020। अभी आवेदन शुल्क जमा करने की जो आखिरी तारीख है वह 17 जून 2020। ये कर्नाटक स्टेट पुलिस का जो पूरा भर्ती के लिए पूरा विवरण है। इसी के साथ यदि आप लोगों ने अभी तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को जरूर बताएं, हो सकता है उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।